कामयाबी का जुनून होना चाहिए, फिर मुश्किलों की क्या औकात है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन्होंने साइकिल पंचर की दुकान चलाने से लेकर यूपीएससी क्लियर कर आईएएस बनने तक का सफ़र तय किया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आईएएस ऑफिसर वरुण वर्णवाल की। पढ़ने की लगन और ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की चाह ने वरुण को उस कामयाबी तक पहुंचाया जिसकी कामना भारत के अनेक युवा करते हैं। गरीबी के जीवन को एक सीख की तरह देखने वाले वरुण वर्णवाल ने यूपीएससी 2016 की परीक्षा में 32वीं रैंक हासिल की। चलिए देखते हैं आखिर ये रहने वाले कहाँ के हैं। वरुण वर्णवाल महाराष्ट्र के पालघर जिले में छोटे से शहर बोईसर के रहने वाले हैं। उनके पिता साइकिल पंचर की दुकान चलाते थे और माँ एक गृहिणी है। वरुण के घर की आर्थिक हालत बचपन से ही खस्ता थी, पर उनके परिवार ने उन्हें कभी पढ़ने से नहीं रोका। वे बताते हैं कि उनकी माँ उन्हें हमेशा ही पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। वे बचपन से ही हर कक्षा में अव्वल आते थे। पिता के देहांत के बाद उन्होंने खुद साइकिल पंचर की दुकान भी चलाई। 10वीं की बोर्ड परीक्षा खत्म होने के चौथे दिन ही वरुण के पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इसके बाद उनके परिवार की जिम्मेदारी वरुण के कंधों पर आ गई। उन्होंने आगे की पढ़ाई छोड़कर पिता की पंचर की दुकान चलाने का निर्णय लिया। 10वीं का रिजल्ट आने पर उन्हें पता लगा कि उन्होंने अपने पूरे शहर में दूसरा स्थान हासिल किया है, परंतु घर के हालात ने उन्हें पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वरुण बताते हैं कि पंचर की दुकान से हुई आमदनी से केवल उनका घर ही चल पाता था, इसलिए उनके पास आगे की पढ़ाई के लिए ना पैसे थे और ना ही समय। उनके एक परिचित डॉक्टर ने उनकी पढ़ने की चाह और प्रतिभा को पहचाना और आगे की पढ़ाई के लिए उनकी फीस भी दी। उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने के लिए उनकी माँ ने पंचर की दुकान संभाली। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। MIT कॉलेज पुणे में इन्होंने एडमिशन लिया और इसके बाद इन्होंने खूब मेहनत की। MIT कॉलेज पुणे से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अपने पहले ही सेमेस्टर में अपनी मेहनत के बल पर इन्होंने टॉप किया। इसके बाद उन्हें कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप मिली जिसकी वजह से वह अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर पाए। वरुण बताते हैं कि उन्होंने कभी पढ़ाई के लिए किताबें नहीं खरीदी, बल्कि उनके दोस्तों ने उनकी मदद की और उन्हें किताबें ला कर दी। वे अपने दोस्तों का आभार मानते हैं जिन्होंने उनके बुरे समय में उनका साथ दिया। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनकी यूपीएससी जर्नी की। फाइनल सेमेस्टर में वरुण की प्लेसमेंट एक बड़ी MNC में हो गई थी, परंतु अन्ना हजारे के लोकपाल आंदोलन से जुड़ने के बाद उन्होंने देश की सेवा के लिए IAS बनने का रास्ता चुना। उनके पास IAS की तैयारी के लिए केवल 6 महीने थे, क्योंकि उसके बाद उन्हें MNC में ज्वाइन करना था। वरुण बताते हैं कि उनके पास नौकरी ना करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं था, क्योंकि घर की हालत ठीक नहीं थी। घर की हालत सुधारने के लिए उनका नौकरी करना बेहद ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने नौकरी ज्वाइन करने के 6 महीने पहले मिले समय में ही IAS की तैयारी करने का मन बनाया। कोचिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उनके रूममेट भूषण ने उन्हें एक कोचिंग क्लास से परिचित कराया, जहां उन्होंने फैकल्टी के रूप में काम किया और उन्हें अपनी परीक्षा की तैयारी में मदद मिली। लेकिन एक बार फिर पैसों की कमी की वजह से उन्हें UPSC की तैयारी के लिए किताबें खरीदने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे वे कई बार ट्रेन में यात्रा करते हुए मिलते थे, वह होप नामक एक NGO के साथ जुड़े हुए थे। उसी NGO ने वरुण को उन किताबों को प्राप्त करने में मदद की जिनकी उन्हें UPSC की तैयारी करने के लिए आवश्यकता थी। आखिरकार कड़ी मेहनत और लगन से उन्होंने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2016 में 32वीं रैंक हासिल की। विषम परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहना और अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा रख करके व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है, ऐसे ही वरुण वर्णवाल ने भी हासिल की। आई होप आपको इस मोटिवेशनल स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।